नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 22 की महिलाओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आवास आवंटित किए जाने की मांग उठाई। शुक्रवार को वार्ड 22 की महिलाएं जिलाधिकारी से मिली और संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया कि उनके द्वारा 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटित किए जाने के संबंध में डूडा कार्यालय में आवेदन किए गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराए गए, जबकि वो सभी योजना के पात्र परिवारों में है। क्षेत्रीय महिलाओं ने जिलाधिकारी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र के विषय में जानकारी देते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं। हमारी ये समस्या, हमने आवेदन डाले थे सरकारी मोदी योजना वाले जी, तो हमारे अभी तक आवेदन नहीं आए, 2 साल हो गए, 2-3 साल करीब हो गए। आप लोग किराए के मकान में रहते हैं जी, क्या चाहते हैं आप? ये हमारा आवेदन आना चाहिए। कितने लोग होंगे कॉलोनी में? लगभग कॉलोनी में ये सारे लोग हैं, कुछ आए नहीं है, कुछ आए नहीं। हो गया आवेदन के? 2-2.5 साल हो गए, अभी तक किसी को नहीं मिला जी, कोई सुनवाई नहीं, किसी किस योजना का लाभ किसी को नहीं मिला जी, नहीं अभी तक नहीं मिला जी, नाम ही नहीं गए, नाम ही नहीं गए। आज किससे मिले? डीएम सर से। क्या मांग करी आप जी? यही मांग करी कि हमारे आवेदन आने चाहिए, तो सर ने कहा कार्रवाई करिए, प्रार्थना पत्र हमारा बोला है कि हम आगे भेज दें।